हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट सीन। आज हम मैनहोल नामक एक दक्षिण कोरियाई हॉरर थ्रिलर फिल्म की व्याख्या करने जा रहे हैं। बुसान में कहीं सोंगी नाम की एक जवान लड़की रात के सन्नाटे में अकेली घूमती हुई दिखाई देती है। वह एक कॉल पर है, किसी के साथ बहस कर रही है। जब वह एक कच्ची गली में पहुँचती है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और डर जाती है। सोंगी तुरंत भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक रहस्यमय व्यक्ति मैनहोल से बाहर आता है, उसके पैर पकड़ लेता है और उसे अंदर खींच लेता है। कुछ समय बाद वह एक अजीब कमरे में जागती है जो पूरी तरह से अंधेरा है, जैसे इस फिल्म के अधिकांश दृश्य हैं। सॉन्ग ही उस जगह से चुपके से निकलने की कोशिश करता है जब अचानक एक जंगली लड़का उसके पैर पकड़ लेता है। वह गूंगा प्रतीत होता है और दीवार से जंजीर से बंधा हुआ है। जाहिर है कि उसे भी अगवा किया गया था और काफी समय पहले यहाँ लाया गया था। दुर्भाग्य से हंगामे ने दूसरे कमरे में अपहरणकर्ता को सचेत कर दिया। वह सुजुल नाम के एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में सामने आया है, जिसे उसके परिवार ने बहुत पहले छोड़ दिया था। वह जल्दी से सोंगी का सामना करता है और उसे एक कुर्सी से बांध देता है। छोटी लड़की रिहा होने की गुहार लगाती है, लेकिन सुचुन इसके बजाय यह कहते हुए उसके बाल काट देती है कि वे अब से साथ रहेंगे। इसके बाद हमारा परिचय सुजंग नाम की एक 14 वर्षीय लड़की से होता है, जो मूक और बधिर प्रतीत होती है। कुछ साल पहले उसके माता पिता का निधन हो गया और अब वह अपनी बड़ी बहन के साथ रह रही है। योन सियो बाद वाला अपनी रात की पाली से लौटने वाला है, इसलिए वह सुजंग को वीडियो कॉल करती है और उसे सभी दरवाजे बंद करने और उसका इंतजार करने के लिए कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि शहर में हाल ही में अपहरण के कई मामले सामने आए हैं, जिससे निवासियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दुर्भाग्य से सुजंग इस सब से अनजान है और वह घर पर प्रतीक्षा करने के लिए बहुत अधीर है, इसलिए वह बस स्टॉप पर जाती है और अपनी बहन का इंतजार करती है। थोड़ी देर के बाद ये उनसे अंत में आता है और वहाँ सुजंग को पाकर क्रोधित हो जाता है। वह उसे सांकेतिक भाषा में डांटती है, यह समझाते हुए कि बुरे लोग रात में शहर में घूमते हैं। इससे छोटी लड़कियां रोती हैं। ये उनसे को उसे कसकर गले लगाने के लिए प्रेरित करती है। कुछ ही समय बाद जैसे ही वे चले जाते हैं, सुचुल उन्हें हर जगह स्थापित सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से देखता है। कई दिन बीत जाते हैं और जब लापता लड़की सोंगी का ठिकाना अभी भी अज्ञात है, उसके पिता जोंगहो ने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर, वह शहर में इधर उधर घूमता है और अपनी लापता बेटी के पर्चे बांटने की कोशिश करता है। अधिकांश लोग बस उसे अनदेखा कर देते हैं और जो लोग पर्चे लेते हैं वे इसे या तो फेंक देते हैं या इसे अपनी नाक पोंछ लेते हैं। अगले दृश्य में ये उनसे घर पर अपना जन्मदिन मना रही है। उसकी बहन उसके लिए एक प्यारा सा केक लाई है और बदले में वह सुजंग को चॉकलेट का एक पैकेट देती है। तहखाने में अपहरणकर्ता एक केक भी ले आया है, पता चला कि यह भी शिकार है। सोंगी का जन्मदिन, मोमबत्ती बुझाने के बाद वह उसे कुछ केक खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देती है। वह बस इतना कहती है, मेरे पिता आपको जल्द ही ढूंढ लेंगे। पिता शब्द सुनकर सुचुल आग बबूला हो जाता है और वह लड़की को चुप रहने के लिए चिल्लाता है। फिर एक फ्लैशबैक से यह पता चलता है कि उसके माता पिता ने उसे नहीं छोड़ा। उनके पिता एक शराबी थे जिन्होंने एक दिन पूरे घर को जला दिया, सभी को अंदर ही अंदर मार डाला। सुचुल किसी तरह दूर होने में कामयाब रहे, लेकिन उनके परिवार की मौत ने उन्हें अवसाद में डाल दिया। इसलिए त्रासदी से निपटने के लिए उसने लोगों को चुपके से मारना शुरू कर दिया। फिर उसने सीवर की गहराई के भीतर एक अच्छी तरह से संरचित ठिकाने का निर्माण किया, जो उसके अपराधों को जारी रखने और बाहरी दुनिया से छिपाने के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में कार्य करता है। इस बीच जोंगहो अपनी बेटी की जांच स्थिति के बारे में पूछने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। बेशक पुलिस उसे धैर्य रखने के लिए कहती है, लेकिन जोंगहो जानता है कि हर गुजरते दिन का मतलब है कि उसकी बेटी को देखने की संभावना कम होती जा रही है, तो वह पुलिस पर चिल्लाना शुरू कर देता है और एक दृश्य का कारण बनता है। हंगामे ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का ध्यान खींचा किम, और जैसे ही वह जोंगहो को देखता है वह अवाक रह जाता है। पता चला कि दोनों बचपन से दोस्त हैं। उस रात वे जोंगहो के स्थान पर जाते हैं और पेपर चर्चा करते हैं। किम के पास एक बहुत अधिक है, जिसके कारण वह सो जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए जोंगहो ने उसकी फ्लैश ड्राइव चुरा ली, जिसकी पहुंच क्षेत्र के सभी सीसीटीवी कैमरों तक है। फिर वह उनका ध्यान पूर्वक निरीक्षण करता है और अंत में उसे अपनी बेटी के ठिकाने के बारे में कुछ सुराग मिलते हैं।
थोड़ी देर बाद जब किमंत में जागता है तो वह ये जानकर क्रोधित होता है कि उसकी यूएसबी ड्राइव और बंदूक चोरी हो गई है। वह पूरे घर में अपने दोस्त की तलाश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बजाय वह सोंगी के गायब होने के बारे में जानकारी पूरी दीवार पर चिपका हुआ पाता है। इससे उसे एहसास होता है कि जोन हो अपहर्ताओं को खुद ही ढूंढने की योजना बना रहा है। इस बीच उसी खराब सड़क पर अब पुलिस वाला एक टूटा हुआ पोल ठीक करने आता है। जब वह कैमरा बॉक्स से गुजरता है तो उसमें से एक बाहरी तार निकलता देख वह हैरान रह जाता है। सिपाही उत्सुकता से इसका पीछा करता है और मैनहोल पर पहुंचता है जहां उसे मानव बालों का एक गुच्छा भी मिलता है। संदेह है कि अंदर कुछ है। वह मैनहोल कवक खोलता है, एक मशाल पकड़ता है और अंदर कूदता है। दुर्भाग्य से उसके लिए सुचुल उसे अपने कैमरों के माध्यम से देख रहा है। वह अच्छी तरह से तैयार है और उसने अंधेरी सुरंगों में जालों का एक विस्तृत सेट लगाया है। जल्द ही पुलिस वाला सीधे उसके जाल में फंस जाता है और कुछ तारों में उलझ जाता है। मकड़ी के जाले में कीड़े की तरह सुचुल फिर धीरे धीरे छाया से उसके पास आता है और उसे अपने सबसे घातक हथियार से खत्म कर देता है। उस रात सुजंग फिर से अपनी बहन का इंतजार करने के लिए बाहर निकल जाती है। इसके खिलाफ कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद वह मैनहोल के पास खड़ी होकर मासूमियत से प्रतीक्षा करती है। उसके बारे में जाने बिना जोनहो को उस पर नजर रखते हुए देखा जा सकता है। वह इस स्थान पर इसलिए पहुंचा क्योंकि यह अंतिम स्थान था जहां सोंगी को देखा गया था। चूंकि यह बहुत अंधेरा है, जोनहो का मानना कि उन्होंने अंततः अपनी बेटी को ढूंढ लिया है, इसलिए वह गैस पर पैर रखता है और लड़की की ओर बढ़ता है इस उम्मीद में कि वह उसके लिए रास्ता छोड़ देगी। लेकिन चूंकि सुजंग बहरी है वह कुछ भी नहीं सुनती है और खड़ी रहती है। जोनहो उसे मारने ही वाला था लेकिन आखिरी समय में वह अपनी कार घुमाता है और कचरे के ढेर में गिर जाता है। छोटी लड़की को आखिरकार पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह अंधेरी गलियों में भागना शुरू कर देती है। दुर्भाग्य से उसका सामना असली अपहरणकर्ता से होता है, सुचुल, जो एक महिला के शरीर को मैनहोल में घसीट रही है। उसी समय उसका फोन भी बजता है जिससे उसका कवच पूरी तरह खुल जाता है। भयभीत सुजन घटनास्थल से भाग जाती है और दौड़ते समय वह अनजाने मैन अपनी बहन के वीडियो कॉल का जवाब देती है। बाद वाला केवल हांफने की आवाज़ सुन सकता है लेकिन ये उसे यह एहसास दिलाने के लिए पर्याप्त है कि छोटी सुजन खतरे में है। ये उन सीओ जल्दी से पुलिस को बुलाती है लेकिन वे फिर से उसे धैर्य रखने के लिए कहते हैं। ऐसा लगता है कि शहर का कोई भी पुलिस वाला मददगार नहीं है। अंधेरी गली में पीछा जारी है। जैसे ही सुजंग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ती है, जोंगहो को पता चलता है कि कोई और भी छोटी लड़की के पीछे पड़ा है। फिर वह निष्कर्ष निकालता है कि यह भी व्यक्ति है जिसने उसकी बेटी का अपहरण किया था, इसलिए वह लड़की को बचाने का फैसला करता है। लेकिन दुर्भाग्य से सुचुल पहले उसके पास पहुंच जाता है, फिर वह उसे बाहर खटखटाता है और मैनहोल के अंदर खींच लेता है। कहीं और चिंतित योन सीओ एक जीपीएस ऐप का उपयोग करता है और अपनी बहन के फोन को अपरित्यक्त घर में ट्रैक करता है। वह अंदर जाती है और उसे कई अजीब वस्तुएं मिलती हैं, जैसे लापता लोगों के पोस्टर और कुछ निर्माण उपकरण। इस पर ध्यान न देते हुए योन सीओ अपनी बहन के फोन पर कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि मैनहोल के अंदर से रिंगटोन सुनाई देती है। यह तब होता है जब योन सीओ को अंततः पता चलता है कि उसकी बहन का अपहरण कर लिया गया है। चूंकि अक्षम पुलिस को आने में बहुत अधिक समय लगेगा, इसलिए वह अंदर जाकर सुजंग को बचाने का फैसला करती है। दूसरी ओर जोंगहो भी क्षेत्र के एक मैनहोल पर ठोकर खाता है और उसमें प्रवेश करता है। वहां वह कई शवों और कटे फटे हिस्सों को देखकर अचंभित रह जाता है। वह तुरंत अपने पुलिस वाले दोस्त को फोन करता है किम और उसे जल्द से जल्द आने के लिए कहता है। इस बीच अपहरणकर्ता अपने पीड़ितों में से एक को खत्म करने में व्यस्त है। एक बार जब वह काम पूरा कर लेता है तो वह सफाई करना शुरू कर देता है लेकिन तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। यह महसूस करते हुए कि उसकी जगह घुसपैठ हो गई है, वह लाश को छोड़ देता है और समस्या की देखभाल करने के लिए निकल जाता है। दूसरे कमरे में छोटी लड़की सुजंग जाग जाती है और भागने की कोशिश करती है लेकिन हमेशा की तरह जंगली लड़का उसके पैर पकड़ लेता है। यह पता चला है कि अपहरणकर्ता ने उसे अन्य पीड़ितों की देखभाल करने का आदेश दिया है। जब वह थोड़ा सा शारीरिक होने लगता है तो सुजंग उसे एक चॉकलेट देती है जिसे वह हमेशा साथ लेकर चलती रही है। यह लड़के को शांत करता है और अंत में वह उसे जाने देता है।
ऊपर पुलिस आती है और इलाके की छानबीन शुरू करती है। अचानक उन्हें मैनहोल के अंदर से चीखें सुनाई देती हैं और जब वे इसे खोलते हैं तो एक चोटिल और पस्त महिला बाहर आती है। दोनों जल्दी से उसे अपनी कार में ले जाते हैं लेकिन और अधिक जांच करने का निर्णय लेते हैं। कि मैनहोल के अंदर अकेले जाती है जबकि दूसरा पुलिस वाला बाहर इंतजार करता है। दुर्भाग्य से निर्णय घातक निकला क्योंकि सूचो जल्द ही दूसरे मैनहोल से निकलता है और पुलिस वाले को मारता है। फिर वह धीरे धीरे कार के पास पहुंचता है और उस महिला को हटा देता है जो पहले बच निकली थी। अगले दृश्य में अंततः दोनों बहनें सीवा की गहराई में फिर से मिल जाती हैं। वे एक भावनात्मक आलिंगन साझा करते हैं लेकिन योन सियो सू जंग से कहते हुए चलते रहने का आग्रह करते हैं कि बुरा आदमी उनके पीछे आ रहा है। थोड़ी देर बाद वे एक रास्ता खोजते हैं और योन सियो पहले जाते हैं लेकिन जब छोटी लड़की की बारी आती है सूचुल पीछे से आता है और उसे ले जाता है। इससे बड़ी बहन तबाह हो जाती है और वह आस पड़ोस के हर घर में इधर उधर भटकती है, मदद के लिए पुकारती है। जब कोई जवाब नहीं देता तो योन सियो कड़ा फैसला लेते हैं और एक बार फिर सीवा के अंदर चले जाते हैं। दुर्भाग्य से अपहरणकर्ता उसका इंतजार कर रहा है। वह उसे पीछे से पकड़ लेता है और दूर ले जाता है। इसके बाद वह दोनों बहनों को एक कमरे में छोड़ देता है और कुछ रसायन तैयार करने के लिए अपनी प्रयोगशाला में जाता है। अवसर का लाभ उठाते हुए लड़कियां अपनी बेड़ियों से मुक्त हो जाती हैं और इसके लिए दौड़ने का प्रयास करती हैं। सू जंग भागने में कामयाब हो जाती है लेकिन जब योन सियो की बारी आती है तो अपहरणकर्ता आता है और उसे रोकता है। वह उसे एक रैगेडॉल की तरह इधर उधर फेंकता है और उसे एक रॉड से मारने के लिए तैयार करता है लेकिन सौभाग्य से योन सियो को फर्श पर एक टेजर गन मिलती है जिसका उपयोग वह क्षण भर के लिए उसे वश में करने के लिए करती है। वह फिर उठती है और अपनी बहन को खोजने के लिए भाग जाती है। दूसरे कमरे में जंगली लड़का सू जंग को पकड़ लेता है लेकिन उसे पकड़ने के बजाय वह दूर जाने में उसकी सहायता करना शुरू कर देता है। यह पता चला है कि वह चॉकलेट इतना पसंद करता है कि वह एक और पाने के लिए मरने को तैयार है। इस बीच जोन हो जो खुद भी सीव में है ठोकर खाकर एक कमरे में जाता है जहां उसे छत से लटकी एक प्लास्टिक से ढकी लाश मिलती है। जोन हो धीरे धीरे इसे खोलता है और जब वह चेहरा देखता है तो वह फूट फूट कर रोने लगता है। दुर्भाग्य से यह उनकी बेटी का शरीर निकला। इतनी कोशिश और जांच पड़ताल के बाद भी वह उसे नहीं बचा सके और अब वह केवल एक चीज चाहता है, बदला। उसके लिए सौभाग्य से वह नियंत्रण कक्ष में है जहां से सूचुल पूरे क्षेत्र को ट्रैक करता है। जोन हो कंप्यूटर की जांच करता है और जब उसे अपहरणकर्ता का ठिकाना मिल जाता है तो वह उसे खत्म करने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। जल्द ही दोनों आमने सामने आते हैं और एक क्रूर लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। वे दोनों स्ट्राइक के लिए एक दूसरे से मेल खाते हैं लेकिन जोन हो को अंततः ऊपरी हाथ मिल जाता है जब वह अपहरणकर्ता के पैर में गोली मारता है। लेकिन दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह उसे खत्म कर पाता लड़ाई के दौरान एक गैस पाइप टूट जाने के बाद एक बड़ा विस्फोट हो जाता है। इससे मैनहोल का ढक्कन खुल जाता है जिससे किम अपने दोस्त की मदद किए बिना ही बाहर निकल जाता है। दूसरी ओर बहनें एक बार फिर से मिल जाती हैं और जंगली लड़के के साथ वे इसी वजह से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। वे अंततः एक मार्ग ढूंढते हैं लेकिन इससे पहले कि वे ऊपर चढ़ पाते लचीला अपहरणकर्ता एक बार फिर आता है और उन्हें ले जाता है। इस बार वह उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बना रहा है। पहले तो उसने छोटी बहन और जंगली लड़के को एक कमरे में बंद कर दिया, फिर वह योन सियो को बाहर घसीटता है और उसे बुरी तरह पीटता है। जैसा कि बच्चे डरावने रूप में देखते हैं, सूचुल एक रॉड उठाता है और उस पर वार करने वाला होता है लेकिन तभी योन सियो एक लाइट निकालता है और आग लगा देता है। चूंकि कमरा पहले से ही रसायनों से सराबोर है, आग जल्दी फैलती है, दोनों को पल भर में जला देती है। बेचारी सू जंग दरवाजा खोलने और अपनी बहन को बचाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन उसे जो खुद द्वारा रोक दिया जाता है जो ठीक समय पर पहुंच जाता है। अगली सुबह पुलिस अंततः आती है और सुरंग प्रणाली के पास पूरे क्षेत्र को खाली कर देती है। वहां उन्हें सैकड़ों शव मिलते हैं, उनमें से कुछ भोजन कक्ष में बैठे हैं। यह दर्शाता है कि अपहरणकर्ता ने भी एक परिवार होने का सपना देखा था। दुर्भाग्य से ये उन सीओ का शरीर कभी बरामद नहीं हुआ, उसे पहचान से परे जला दिया गया है। अंतिम दृश्य में जैसे ही सू जंग को एक एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, वह अचानक अपनी बहन की अंगूठी सड़क पर पड़ी हुई देखती है। इससे वह भावुक हो जाती है, इसलिए वह जल्दी से स्ट्रेचर से उठ जाती है और उसे निकालने के लिए दौड़ पड़ती है।
उसी समय जोंग हो भी आता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। फिल्म खत्म हो जाती है जब हमें पता चलता है कि दोनों पिता और बेटी के रूप में एक साथ रहने लगे हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।